माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं लेसन 76, जहां पर हम नरेशन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में अभी तक यही देखा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस होता था उसकी शुरुआत कहां से होती थी, सब्जेक्ट से होती थी। बट फ्रेंड्स, आज की बात करें तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं, इसकी शुरुआत अब हेल्पिंग वर्ब से होगी। यानी कहने का मतलब ये था कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहता कि आर यू अ डॉक्टर, तो आप आंसर क्या देते? यस आई एम अ डॉक्टर। अगर मैं आपसे कहता कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो आप आंसर ऐसे ही देते ना, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर मैं आपसे कहता कि कैन यू टीच संस्कृत, तो आप बोलते क्या, नो आई कांट टीच संस्कृत। कहने का मतलब यह है कि आज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस तो आएगा, लेकिन उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं, उसकी शुरुआत कहां से होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने तीन सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर मैंने आपसे कहा होता सी सैड टू मी, इसके बाद प्रीवियस लेसन का एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, I can teach English. तो आपके सामने एक सेंटेंस लिखा मैंने, He said to me, I can teach English. और ये हमारा जो पूरा स्टेटमेंट है ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। ऐसे ही दो सेंटेंस मैं आपके सामने और लिखने जा रहा हूं। अगर मैंने आपसे कहा होता He says to me, You play football. एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं यहां पर, She will say to me, I सिंग सॉन्ग। तो आपके सामने मैंने तीन सेंटेंस लिखे हैं और तीनों ही हमारे क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस कहलाएंगे। अब करना क्या है कि अगर हमें इसे इनडायरेक्ट में बदलना होता था तो हम क्या करते थे, हम इसको ऐसे ही करते थे ना, सबसे पहले क्या करते थे, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी करते थे, फिर क्या करते थे कि सैड टू को हम लोग किस में बदलते थे, टोल्ड में बदलते थे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने सैड टू को टोल्ड में तब बदला था जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत कहां से हुई थी, सब्जेक्ट से हुई थी, और इसके ठीक बाद हम लोगों ने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को कॉपी किया था। इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, दैट का यूज किया था। इसके बाद इस सब्जेक्ट का रिलेशन बनाया तो आई का जो रिलेशन है किससे बन गया, सी से, तो हम लोगों ने यहां पर क्या लिखा, सी। उसके बाद यहां पर कैन को हम लोगों ने क्या किया, कोट किया, लेकिन हम लोगों ने कैन को कोट तब किया था जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी किस में थी, पास्ट में थी। इसके ठीक बाद ये सारे वर्ड्स को आपको कॉपी कर लेना है, यहां पर क्या लिखा मैंने, टीच, और टीच के बाद क्या लिखा मैंने, इंग्लिश। तो आप ध्यान से देखिए, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच थी, इनडायरेक्ट में बदला हमने तो क्या लिखा, सी टोल्ड मी दैट सी कुड टीच इंग्लिश। इसी तरीके से इनको भी बना लेते हैं और इसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर भी हमें क्या करना होगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी करना होगा, जो सेज लिखा था इसको हमें क्या करना होगा, टेल्स में बदलना होगा। इसके बाद इस रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को कॉपी किया, इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या किया, दैट का यूज किया। अब इस यू का रिलेशन किससे बन गया, मी से, तो मी का हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, आई होगा। अब यहां पर एक बात को माइंड कीजिएगा, यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी किस में थी, पास्ट में थी, तो हम लोगों ने कैन को क्या किया, कुड में किया, और इसके अलावा भी ढेर सारे रूल्स हम लोगों ने पहले ही पढ़ के रखा है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट में हो जाए, तो हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में क्या देखा कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन हमें नहीं करना था। तो ये जो हमारा सेंटेंस था ये कहां का था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अभी भी हमें दैट के बाद का जो सेंटेंस है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना पड़ेगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई प्ले फुटबॉल। तो आप यहां पर ध्यान से देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, ही टेल्स मी दैट
आई प्ले फुटबॉल, ये सेंटेंस हमारा पहले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट था और अभी भी हमारा सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसी तरीके से इस सेंटेंस को भी बना लेते हैं। तो अगर ये सेंटेंस बनाया जाता यानी इनडायरेक्ट किया जाता तो क्या करना पड़ता हमें, यहां पर क्या लिखना पड़ता, सी विल टेल मी दैट, अब इस आई का रिलेशन किससे बन गया, सी से, तो हमें यहां पर क्या लिखना होगा, सी लिखना होगा। और उसके बाद यहां पर क्या लिखना होगा, सिंग्स अ सॉन्ग। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच थी किसमें थी, फ्यूचर में, और ऐसी भी कंडीशन में, यानी इन दोनों कंडीशन में हमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन नहीं करना होता। बट फ्रेंड्स, ये सारी चीजें तो हम लोगों ने प्रीवियस लेशन में पढ़ी थी, तो आज नया क्या होगा, आज नया ये है कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य की शुरुआत, देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पर सभी जगह क्या लिखा मैंने, पहले सब्जेक्ट, यहां पर भी क्या आया, सब्जेक्ट, और यहां पर भी मैंने सेंटेंस की शुरुआत कहां से की है, सब्जेक्ट से। लेकिन आज ऐसा नहीं होने वाला है, आज आपको करना क्या है वो देखिए, हमारे रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस है इसकी जो शुरुआत होगी ना वो कहां से होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी। अभी चूंकि हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन होगा, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा लीजिए और सभी जगह ऐसे ही कर देते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस था यू प्ले फुटबॉल, इसको लिख लेते हैं क्या, डू यू प्ले फुटबॉल, तो ये भी हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा था क्या, आई सिंग अ सॉन्ग, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं कि डू आई सिंग अ सॉन्ग। अब फ्रेंड्स इसको बनाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अब हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं हो रही है, किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। तो पहले ये समझते हैं कि हमें ऐसी कंडीशन में करना क्या होगा। सबसे पहला काम तो आपको ये समझना है कि अब आपको से को टेल में नहीं बदलना। हम लोगों ने से को टेल में कब बदला था, जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत कहां से हो रही थी, सब्जेक्ट से। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो जाए तो आपको सैड को आस्क में, सेज को आस्क में, और विल से को विल आस्क में बदलना होगा। सिर्फ इतनी सी बात समझ लीजिए, ये जो से लिखा है अब इस से को हमें किस में बदल देना होगा, आस्क में बदलना होगा। तो जहां पर से लिखा होगा वहां पर आस्क लिखिएगा, जहां पर सैड लिखा होगा वहां पर हमें इसकी सेकेंड फॉर्म यानी क्या लिखनी होगी, आस्क लिखनी होगी, और अगर विल से लिखा होगा तो विल आस्क कर देंगे। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट तो अभी भी कॉपी करना है, मैंने यहां से टोल्ड को मिटा दिया, अब इस सेट टू को क्या करना होगा, हमें आस्क्ड में बदल देना होगा। और यहां पर देखिए, इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए अब हम दैट का यूज नहीं कर सकते। इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो हम इफ का यूज करेंगे या फिर वेदर का, डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर, इन दोनों में से किसी भी एक का यूज करके आप इन्वर्टेड कॉमा को हटा सकते हैं। तो चलिए यहां पर लगा लेते हैं क्या, इफ। अब याद रखिए, इस इफ और वेदर के ठीक बाद हमें फिर से क्या रखना होगा, सब्जेक्ट को रखना होगा। इफ और वेदर के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं आने वाली, तो इफ के बाद हमने सब्जेक्ट को रखा तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, वो तो सी ही रहेगा, क्योंकि आई का रिलेशन किससे बन गया, सी से, और रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में थी तो कैन को हमने क्या कर दिया, कुड कर दिया। ये जो पार्ट था सेंटेंस का, ये ना तो पहले बदला था और ना ही अभी बदलेगा, ये ऐसे ही रहने वाला है। तो हमारा जो सेंटेंस था वो क्या था, सी सेड टू मी कैन आई टीच इंग्लिश, और इनडायरेक्ट किया तो क्या बन गया, सी आस्क्ड मी इफ सी कुड टीच इंग्लिश। इसी प्रकार से फ्रेंड्स इन दोनों की भी बनाते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, सी इज, तो यहां पर हमें क्या लिखना होगा, आस्क, ए एस के एस। इसके बाद अब इस दैट को हटा दीजिए, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए अब हमें दैट की जगह क्या लगाना होगा, इफ लगाना होगा। और बाकी ये जो पार्ट था ये ऐसे ही बनने वाला है, इसमें कोई बदलाव आपको नहीं करना होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी इफ आई प्ले फुटबॉल। ये रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट में है तो इसके टेंस में परिवर्तन किया नहीं जा सकता। इसी तरीके से अगर इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहां पर भी हमें इस टेल को मिटा देना है और टेल की जगह क्या लिख देना होगा, आस्क। इस दैट को हटा दीजिए और दैट की जगह क्या लिख दीजिए, इफ। बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहने वाली हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हमें करना ही नहीं। अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर मैंने यहां पर लिखा होता है क्या, डिड यू, सेंटेंस क्या लिखा है कि डिड यू प्ले फुटबॉल, ऐसा मुझसे पूछा गया, क्या लिखा मैंने, ही सेज टू मी डिड यू प्ले फुटबॉल,
तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी इफ आई प्लेड फुटबॉल। तो क्या आपने माइंड किया, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट था, लेकिन इसको हम पास्ट परफेक्ट में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, प्रेजेंट में, और ऐसी कंडीशन में ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही बनेगा। लेकिन अगर ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से हो जाता और मैं आपसे कहता ही सैड टू मी और उसके बाद सेंटेंस क्या है, डिड यू प्ले फुटबॉल, तो अब हमें क्या करना पड़ता, पहली बात तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होता, आज, और सेंटेंस क्या बनने वाला, देखिएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड प्लेड फुटबॉल। क्यों? क्योंकि अब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में हो चुकी है और ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का था, पास्ट इंडेफिनिट को हमें पास्ट परफेक्ट में बदलना ही पड़ेगा। तो आप लोगों ने देखा कि इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए दैट का यूज और इफ का यूज हम लोगों ने कब किया, दैट का यूज किया था हम लोगों ने कब, जब हमारे सेंटेंस की शुरुआत कहां से हुई थी, सब्जेक्ट से, लेकिन दैट के बाद भी हम लोगों ने क्या रखा था, सब्जेक्ट रखा था। इसी तरीके से अगर हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या रखा है, इफ, लेकिन इफ के बाद का भी सेंटेंस उसी तरीके से बनाया गया है जैसा हम लोगों ने दैट के बाद का सेंटेंस बनाया था, यानी सेंटेंस का ये पार्ट ना तो दैट के लिए बदला था और ना ही वो इफ के लिए बदल रहा है, और बाकी सारे रूल्स रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, ये तो आपको समझकर बनाना ही पड़ेगा। अब इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जब सेंटेंस की शुरुआत यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस था, जब इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, सब्जेक्ट से हुई थी, तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने सैड को क्या किया था, टोल्ड में बदल दिया था, और जब यहां पर से लिख के आया था विल से, तो हम लोगों ने विल से को क्या लिखा था, विल टेल, यानी से को हम लोगों ने किस में बदल दिया, टेल में बदल दिया। लेकिन जब यहां पर क्या लिख के आया, सेज, तो सेज को हम लोगों ने किस में बदला था, टेल्स में बदला था, टीई डबल एल एस। लेकिन ऐसा हम लोगों ने कब किया था, जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही थी, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा था इसको तोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या लगाया था, दैट का यूज किया था। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा, कि अब हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत कहां से होगी, हेल्पिंग वर्ब से। अभी कुछ भी हो सकती है, इज एम आर, डू डज, हैज हैव, कैन, कुड, कुछ भी हो सकती है, और ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया, इस सेट को आस्क्ड में बदला। यहां से देखते जाएगा, सेट को हम लोगों ने क्या कर दिया, आस्क्ड में बदल दिया। क्यों? क्योंकि अब पूछने का काम हो रहा है, और जो से लिखा था तो से के लिए हम लोगों ने क्या लिखा, आस्क लिखा, बट जब सेज लिख के आ गया तो इसके लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया था, आस्क लिख दिया। और यहां पर दैट जो था ये यूज नहीं किया गया था, किसका यूज किया हम लोगों ने, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, इफ या फिर वेदर, डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर, और दोनों में से आप किसी भी एक का यूज करके इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।